ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई वचन से बाबा की बेटी आप सबका चैनल पर स्वागत करती हूँ। बड़े दिन हो गए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला, लेकिन 2-3 दिन पहले ही एक बहुत ही प्यारा अनुभव बाबा का हुआ मुझे, तो मुझे लगा कि वो आप सबके साथ साझा करना चाहिए। बात यह है कि मैं बाबा के साथ जुड़ी हूँ 2007 से। 2007 को बाबा मेरे पास आए थे, वो भी बताऊंगी। मैंने वैसे इस पे वीडियो शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार फिर बताऊंगी। मैं 2007 से बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत बार बाबा के मतलब सुनती हूँ, उनकी लीलाएं सुनती हूँ। हम जैसे जो बाबा के भक्त हैं वो बताते रहते हैं। बहुत लोगों से मैं सुनती हूँ कि बाबा जो हैं वो सपने में आए, बाबा ने सपने में आकर ये कहा। और मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब मेरे सपनों में बाबा क्यों नहीं आते कभी, लेकिन मैं सिर्फ सोचती थी मेरे सपने में बाबा कभी नहीं आए, और मैं ये चाहती थी कि बाबा मेरे सपने में ज़रूर आए। और ये इच्छा लिए मैं बहुत समय से बस रह रही थी। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा सच है, मैं अभी तक शिरडी नहीं गई हूँ। 2007 से बाबा से जुड़ी हूँ, लेकिन बाबा ने अभी तक मुझे शिरडी नहीं बुलाया। उसका रीज़न मुझे कभी ग्लानि नहीं होती है, ना मुझे कभी दुख होता है, ना मुझे कभी तकलीफ होती है, क्योंकि बाबा जो है ना मेरे दिल में है। बाबा जो है मेरे, कहते हैं ना, कण कण में है, तो नहीं अफसोस होता, नहीं दुख होता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि बाबा मेरे सपने में कभी क्यों नहीं आते। अभी 2-3 दिन पहले की बात आपको बताती हूँ। मैं सोई हुई थी, सुबह मैं उठी हूँ, और उठने के बाद पता नहीं शायद कोई काम नहीं था इस वजह से मैं दोबारा सो गई। जब दोबारा सो गई सुबह आई थिंक अराउंड 7 o'clock की बात है, तो मेरे सपने में बाबा आए। और बाबा आने के बाद मुझे ओकेजन नहीं याद है कि वो ओकेजन क्या है, लेकिन बाबा ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि 25 दिए जलाओ घी के। और वो 25 दिए जलाने के लिए जब बाबा कहते हैं तो मैं फिर अरेंज करती हूँ वो दिए, और 25 दिए लेके आती हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लेके आती हूँ, मुझे सपना इतना याद है कि मैं अरेंज करती हूँ, कहीं से 5 अरेंज करती हूँ, कहीं से 6, इस तरीके से दीपक अरेंज करती हूँ। अरेंज करने के बाद मैंने एक थाली में वो 25 दिए भी रखे हैं, मैंने उसमें घी भी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, और जोत बत्ती भी है, और उसके बाद मैंने वो दिए जलाए। और जब मैं सुबह सोकर उठी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज बाबा मेरे सपने में आए। मुझे नहीं पता कि उसका मतलब क्या था, क्योंकि मतलब भी बाबा ही बताएंगे, और जो इन्होंने इस बाबा ने जो सपना दिखाया उसको अभी बाबा ही करवाएंगे। मुझे नहीं पता क्या मतलब है, क्या बाबा कहना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बाबा मेरे सपने में आए, और मुझे हूबहू बाबा वैसे ही दिखाई दिए जैसे बाबा मंदिर में होते हैं, जैसे बाबा को मैं इमेजिन करती हूँ उसी तरीके से। अच्छा लगा और सच में खुशी हुई। तो ये था बाबा का एक्सपीरियंस, ये बाबा की लीला। और अगर आप लोगों की कोई बाबा के साथ कोई लीला है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं, यह मेरा नंबर मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी लीलाएं भी बिल्कुल शेयर की जाएंगी चैनल के माध्यम से। तो ये था बाबा के साथ मेरा अपना एक एक्सपीरियंस, बाबा की एक लीला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एक्सपीरियंस के साथ, जब बाबा चाहेंगे तब। आज गुरुवार है तो गुरुवार की आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा का दिन है, वैसे तो बाबा का हर दिन होता है, हर पल होता है, पर गुरुवार को हम कुछ खास ही मानते हैं। तो आज के लिए शुभकामनाएं, मिलती हूँ फिर अगले एक्सपीरियंस में, अगली लीला में बाबा की। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।